गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो अपना टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शन के एडिशन कैसे किए जाते हैं उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले एक मैंने एग्जांपल लिया है 5/6 प्लस 4/6। यहाँ पे डेनोमिनेटर दोनों की सेम है, डेनोमिनेटर सेम है तो सीधा ही इसका आंसर हम कर सकते हैं। बिल्कुल डेनोमिनेटर सेम है वो हम नीचे लिखेंगे 6 और 5 प्लस 4 5, और 4 को ऐड करेंगे। 5 प्लस 4 अपॉन 6 इज इक्वल टू 5 और 4 9 अपॉन 6, डेनोमिनेटर सेम है तब। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है हमारा, यहाँ पर डेनोमिनेटर सेम नहीं है, उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, उस सिचुएशन में बच्चों हम डेनोमिनेटर्स की निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं? एलसीएम डेनोमिनेटर्स की। 6 और 4 की क्या निकालोगे? एलसीएम। अच्छा, मैं आपको एक तरीका और बताया था शायद पिछली बार भी, कि जो छोटे नंबर्स हैं जिनका आपको टेबल आता है उनका आप टेबल बोल के भी एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे 6 का टेबल बोलिए और 4 का टेबल बोलिए, इनकी टेबल में जो सबसे पहले कॉमन आता है एक जैसा, वो इनकी एलसीएम होगी। जैसे पहले मैं ऐसे बता रहा हूँ, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 3 में जाएगा नहीं, 2 1 जा 2, फिर जाएगा 3 का, 3 1 जा 3। तो इसकी एलसीएम क्या आ गई बच्चों? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ऐसे इन दोनों की टेबल बोलेंगे तब भी यही आएगा। अभी 6 के टेबल बोला, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ऐसे चलता रहेगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4। तो देखिए 12 आ रहा है दोनों की टेबल में सबसे पहले, ऐसे तो कॉमन और भी नंबर आएंगे लेकिन जो सबसे पहले कॉमन आएगा वो एलसीएम होगी। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो इनकी एलसीएम क्या आ गई बच्चों? 12 आ गई। अब क्या करना है, इन दोनों की एलसीएम निकाली थी तो इन दोनों से हमें 12 को डिवाइड देना है। पहले 8/6 को सॉल्व करेंगे, 12 में 6 का डिवाइड देंगे, यानी इस जो एलसीएम निकाली है उसको ध्यान रखिए डेनोमिनेटर्स का डिवाइड देना है। किनका डिवाइड देना है? डेनोमिनेटर्स का। ठीक है, 6 का डिवाइड देंगे 12 में, कितनी बार गया? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 टाइम्स। अब जो आंसर आया 2, उसको हम इसके न्यूमिरेटर से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 2 आंसर आया था, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या गया? 2 8 जा 16। क्या गया? 2 8 जा 16। 6 का डिवाइड दिया था 12 में, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 टाइम गया। 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 8 2 जा 16। अब दीजिए 4 से डिवाइड, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 3 टाइम गया। 3 को अब क्या करेंगे? इस न्यूमिरेटर यानी 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 हो गए। अब आ जाइए नीचे, 16 और 9 को क्या कर दीजिए? ऐड। 16 और 9 कितने हो गए? 25 हो गए, और अपॉन में आ गए 12। ठीक है, इसको आप मिक्स्ड में भी चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। आपको बताया था 25 में 12 का डिवाइड दीजिए, कितने बार गया? 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 2 टाइम्स गया। 2 यहाँ पे लिखेंगे और बच क्या गया रिमाइंडर? 25 में से 24 को किया तो 1 और 12। ऐसे कर लीजिए। इसके बारे में और आपको पीछे बताया था कन्वर्ट करना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद ही आपको ये करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे।